करते जी आपको बताते चलें कि एजुकेशन और खास तौर पे हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तानी यूथ हमेशा कोशां रहती है, बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती है. वी हैव सच अ बल्क लोड ऑफ यंग पीपल, तो उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो बाहर के ममालिक की यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करें. अब इसके अंदर कई ऐसे ममालिक हैं जहां रिवायती तौर पर लोग जाते थे, मिसाल के तौर पर अमरीका या यूके, लेकिन इस वक्त जो महंगाई का हाल है इसकी वजह से कई ऐसी यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स की दस्तरस से निकलती जा रही है. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग के ट्राई स्टार एजुकेशन एक एक्सक्लूसिव पार्टनर है टर्किश यूनिवर्सिटीज के साथ, और वो बहुत ही जल्द एक एग्जीबिशन पाकिस्तान भर में करने वाले हैं, लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची, वेयर स्टूडेंट्स कैन गो एंड एक्सप्लोर दीज डेस्टिनेशंस. इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दानिश अहमद साहब, जो कि फाउंडर हैं, सीईओ हैं ट्राई स्टार एजुकेशन के. लेट्स हैव अ कॉन्वर्जेशन विद हिम. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. पहले तो आई गॉट अ लिटिल, यू नो, मैं इस पर अटक गई थी, मुझे बताइएगा, दिस इज ट्राई स्टार एजुकेशन? करेक्ट, जबरदस्त. सो दिस इज एन एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ टर्किश यूनिवर्सिटीज. मेरा पहला सवाल, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आता जी? मैंने खुद यूएस में पढ़ा था, तो आई ऑल्सो थॉट कि टर्की वुड हैव सम लैंग्वेज बैरियर, बट अल्हम्दुलिल्लाह द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज 100% इंग्लिश. सो पढ़ाई में कोई बैरियर नहीं है टर्की में एज फार एज यू नो एजुकेशन इज कंसर्न्ड. अच्छा, ये इतना अनएक्सप्लोर्ड वेन्यू है. आप ही के तवसुत से मुझे पता चला कि एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑफर्ड मेनी स्कॉलरशिप्स एज वेल. तो अगर आप मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहें तो आपको मिल सकती है. आर दीज लिमिटेड टू सर्टन फील्ड्स, यानी कुछ खास फील्ड्स के लिए ही ये स्कॉलरशिप? अच्छा जी, हमारे पास वी हैव अ वेरी रोबस्ट scholarship program. Okay. And it goes up to 100% for high achievers. Okay. Turkey in itself, hamara jo main what we are vouching for is quality education at an affordable cost. So hamare paas har type ki university hai, for A graders all the way jinke grades kam hai, taki wo aake achhi quality education hasil kar sake, aur high achievers ke liye 25 50 75 All the way up to 100% scholarship opportunities मौजूद हैं. दानिश, मुझे बताएं कि इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तुर्की में क्या तादाद है, तो आप क्या बताएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम 33 स्टूडेंट्स इन 2011 व्हेन आई वेंट फर्स्ट टाइम टू टर्की, नाउ वी हैव मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन टर्की, एंड टर्की इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. और आमतौर पर हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है दानिश, के जब वो वहां पे जाए एंड इफ दे यू नो गेट अ डिग्री ओवर देयर, नंबर वन इस डिग्री की ग्लोबल रिकग्निशन क्या है, और दूसरा ये कि क्या ये स्टूडेंट्स पे तुर्की में ही रह के अपने आप को प्रोफेशनली चीजों को परसू कर सकते हैं? तो वी एस ट्राईस्टार प्रोवाइड सर्विसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सो वी बीन helping students not only from Pakistan but Saudi Arabia, Dubai, Gulf region mein, even from US. Hamare paas bache US se aate hain padhne ke liye, you'll be surprised to know. So hamari jo degrees hai na, they're all globally recognized. Medicine is part of the World Medical Association, Pakistan mein bhi jo PMDC hai. Engineering is part of Washington Accord. Uske baad business programs are Financial Times accredited and all. So hamare total sare programs are all globally accepted and scholarships are across the board. Only for medicine they're limited scholarships, but अच्छा, other than that. ये एक बड़ी आपने अहम यहाँ पे बात की, क्योंकि मैं इसको टेक अप भी करना चाह रही थी. दानिश, आपके इल्म में होगा जो किर्गिस्तान में वाकयात हुए हैं, मैं ये जानना चाहूंगी खास तौर पे जब आपके एग्जिबिट्स हो रहे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ तुर्की की यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में तुर्की वो उन चंद ममालिक में शुमार होता है जो पाकिस्तानियों की बहुत कदर और बहुत इज्जत करते हैं, तो मुझे बताएं कि ये जो स्टूडेंट्स बेचारे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद वापस पाकिस्तान पहुंचे हैं, क्या इनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? कैन दे ऑल्सो एक्सप्लोर द मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन तुर्की? जी, टर्की हमारी नॉर्मली जो प्रोग्राम्स है ना, दे आर प्रीटी मच अफोर्डेबल. मेडिसिन इज अ बिट एक्सपेंसिव, सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि उनकी फीस रेंज किर्गिस्तान में क्या थी, बट टर्की में आइसोलेटेड इवेंट्स कुछ अगर हुए तो अलग बात है, बट जनरली टर्किश पीपल रियली लाइक पाकिस्तानी पीपल एज यू नो, तो वहां पर इस टाइप का कोई इशू फेस नहीं होगा. बट या ट्रांसफर पॉसिबिलिटीज कैन बी एक्सप्लोर्ड. स्टूडेंट्स जो वहां पर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर अ ट्रांसफर. लाइक वी हैड स्टूडेंट्स फॉर डोमेस्टिक ट्रांसफर, फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर, फॉर मेडिसिन एज वेल. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ पॉसिबिलिटी. अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने यहाँ पे दो तीन दफा फीस का जिक्र किया. इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई के हालात हैं, जो फॉरन एक्सचेंज रेट हमारे सामने रोजाना फ्लक्चुएट करते हैं, व्हाट्स द रेंज? अगर आप मेडिकल आपने कहा कि एक्सपेंसिव है, लेकिन दूसरे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अगर तीन या चार साल के लिए बच्चा बाहर जाना चाहता है,
तो पाकिस्तानी रुपये में इसमें कितनी लागत आती है? सो जनरल विदाउट एनी स्कॉलरशिप इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक $3,000 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड इट गोज ऑल द वे टू $25,000 अ ईयर. ठीक है, सिर्फ ट्यूशन फी की, सिर्फ ट्यूशन की. बट लिविंग इज वेरी इनएक्सपेंसिव लाइक इफ यू स्टे इन अ डॉर्म्स बेस्ड यूनिवर्सिटी. तो अगर आप डॉर्म्स बेस पे रहते हैं तो इट स्टार्ट्स विद $1,000. बट टर्की का एडवांटेज ये है कि आपको जो है ना ये जो 4 साल आप वहां स्पेंड करते हैं उसके बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. टर्की इज अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन हायर एजुकेशनल एरिया. सो 4 साल में से 1 साल यू कैन गो अब्रॉड and that's free of cost. Further abroad. Yeah, Turkey तो हमारा already abroad है, उससे भी आगे जा सकते हैं. जी, आप Europe जा सकते हैं. Erasmus से, Erasmus Plus है, bilateral agreements होते हैं. So students actually go. मेरा जैसे I know someone who went to one semester to US to UTD and one semester to Exeter in the UK. So इस तरीके से बच्चे जाते हैं और हमने देखा कि वहाँ से उनके लिए और options खुलते हैं. हमने last time we did an alumni dinner at the Turkish consulate. And I was so happy to see my students. They were like who went in 2011, 12, 13. Now one was working in Tesla in UK. Why were the chuttiyon pe? Ek bachi was working in Meta or Amazon. You know, you name it. So I saw people actually working globally as well. But again, that totally depends on the student. अच्छा, आपने क्योंकि technical और digital इसके अंदर ज़्यादा चीज़ों का ज़िक्र किया है, दानिश मुझे ये बताएं कि I saw कि अगर आप तुर्की वैसे भी financially invest करके move होना चाहें, अपने venture को लेके जाना चाहें, कोई अगर आपका startup है उसके लिए भी बड़ी opportunities है, क्या आप उसमें भी assist करते हैं लोगों को? Actually, we don't as TriStar Education. We help to, it's totally educational based. But students, I mean, people who are looking to work, especially digital nomads, Turkey is a hot place for them to go. वहाँ पे बहुत आपको ऐसे you'll get opportunities in Istanbul, in Bodrum, in Antalya, etc. for people who are wanting to go move for especially startup culture. में that's a possibility. Danish, why did you think of तुर्की है फॉर द फर्स्ट टाइम? लाइक मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि वैसे तो मुझे हैरत होती है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में मुझे पता चले कि अनरेस्ट है तो पता चलता है वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं. सो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैव बीन एक्सप्लोरिंग, लेकिन आपको तुर्की के लिए एक स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इसके लिए इतनी कंसर्टेड एफर्ट करना, अब माशाल्लाह ये आपका 23rd एजुकेशनल तुर्की फेयर होगा जिसके अंदर हम लोगों को कह रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट जरूर करें और मजीद इन्फॉर्मेशन लें. How and why did you come up with this focus on Turkey? So my father really encouraged me to do this. सबसे पहले, so all credit goes to him. Alhamdulillah, I went to Turkey और उसके बाद I saw कि कोई पाकिस्तानी बच्चे पढ़ ही नहीं रहे यहाँ पर. मतलब 33 kids. आप सोचें पाकिस्तान टर्की, we've been hearing what brotherhood and everything, खिलाफत movement, but zero interaction था उस वक्त. So I went there. I convinced the universities, why don't you come to Pakistan? And I realized that they had a confidence in us. Somehow we have this natural, you know, inclination. Bilkul, it's just so, just like foreign relations, it's always, you know, you have to have a reason to be friends. But Turkey, Pakistan don't have a reason. It's just a natural friendship they have, brotherhood. So main unko inclined ki, I told them, why don't you come to Pakistan? They came first time in 2011 for the first education Turkey fair. Wahan pe itna rush bachcho ka, we were surprised to see and we were so, you know, amazed, alhamdulillah. And there onwards, it started slowly, and now it's, you know, one of the it is the fastest growing destination because again, quality education, affordable price, and the natural Pakistani Turkish, you know, thing that we have with them. The cultural ties are very strong. Cultural ties are very strong. Food is not spicy, but again, that also helps because halal hota hai wahan par. Halal hota hai. Mere khayal mein the cultural affinity, jo humne explore ki through common content, etc. उसके बाद भी ये राहें सवार हुई हैं. मुझे लगता है कि पोस्ट 2010 और ये लास्ट जो हमारे 10-15 साल गुजरे हैं, इसके अंदर एक इंक्लिनेशन भरी है. आपने उनके कल्चर से फेमिलियर हुए हैं. टर्किश डब ड्रामे हमने देखे, अभी सलाउद्दीन अयूबी जो चल रहा है उसमें पाकिस्तानी स्टार्स गए हैं. सो देयर इज दैट बॉन्ड दैट हैज कम थ्रू. एक दफा फिर दानिश हमारे देखने वालों को ये बताइए कि कब कब कहाँ कहाँ एग्जीबिशन हो रहा है. मुझे पता है 5 तारीख से शुरुआत है एंड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर. जी इंशाल्लाह, June 5th Wednesday, Lahore at PC Hotel. Timing is 12 to 7, 12 p.m. to 7 p.m. June 7, Friday, Serena, Islamabad. Again, 11, that's 11 to 7, 11 a.m. to 7 p.m.
और संडे को जून 9th को इंशाल्लाह कराची पीसी होटल। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन, लेकिन हमारी टाइमिंग्स क्लैश कर गई है। 5 तारीख को जी मैंने फ्लाई आउट कर जाना है, बट ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू, ऑल द 3 सिटीज। प्लीज स्टूडेंट्स को हम कहेंगे कि एक्सप्लोर जरूर करें, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें। अब मुझे पता है कि कई दफा हम परंपरा और ट्रेडिशन में फंस जाते हैं कि जी हमारी खाला गई थी लंदन और हमारे अब्बा गए थे अमरीका, तो हमने वहीं जाना है। बट एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लुक वॉट इज बेस्ट फॉर यू। और खास तौर पर अब जो नए डिसिप्लिन आ रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे, तुर्की के कई यूनिवर्सिटीज में बहुत ही ज्यादा कंटेम्प्रेरी हाइब्रिड प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे जो शायद आपको दूसरे ममालिक में नहीं मिलते। एंड जिस तरह दानिश ने कहा, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर अदर फर्दर प्रोग्राम्स ऑफ दैट नेचर इन यूरोप, एंड दैट टू एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। सो डू ट्राई इट आउट। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।